देवास में कोरोना वायरस के कारण इस बार जैन समाज द्वारा महावीर जन्म कल्याण सभी ने अपने अपने घरों में मनाया। घरों से ही ढोल धमाके व मंजीरे शंख बजाए गए और पारंपरिक झंडा भी लहराया गया है। इस बार किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन महावीर जयंती पर नहीं हुआ है। वहीं समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि महावीर जयंती के दौरान आयोजन में जो भी खर्च होने वाला था उसे गरीब परिवारों को मदद के लिए खर्च करेंगे। साथ ही जैन समाज ने प्रार्थना की है कि हमें इस कोरोना वायरस की बीमारी से जल्दी निजात दिलाए जाए। सभी को महावीर जन्म कल्याण की बहुत शुभकामनाएं। इस बार हमारा देश एक विकट महामारी से जूझ रहा है और इसी दरमियान हमारी महावीर जयंती भी आई। हर वर्ष हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में महावीर जन्म कल्याणक मनाते हैं। बृहद स्तर पर जुलूस निकाला जाता है और कई सारे प्रोग्राम होते हैं, पर इस बार हम लोगों ने तय किया कि जो हम महावीर जयंती पर खर्च करते हैं वो सारा खर्च समाज जन मिलकर हमारे जो गरीब परिवार हैं, हमारे देवास के और जैन समाज के जो गरीब परिवार हैं, हम उनको हमारा योगदान दें, हम उनकी हेल्प करें। निश्चित है कि वो लोग अभी अपनी आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहे हैं और हमने सबने तय किया, हमने मीटिंग बुलाई और तय किया कि हम जितना भी हमारा सारा इस वर्ष का खर्च है, इसके अलावा ऊपर से हमने हमारे जो गरीब परिवार के जो लोग हैं उनको हमने दिया। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि प्रभु हमको इससे जल्दी से जल्दी निजात दिला दे और जो हमारा सारा देश इससे जूझ रहा है उसमें शांति दे। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।